गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है दादाजी सुरेश, महाराष्ट्र से हूँ, 300 सेकंड तक पढ़ा हूँ और छोटे किसान के परिवार से बिलोंग करता हूँ। 2015-16 में मैंने ग्रीन कार्ड की शुरुआत की। जब बेकार बैठा था तो रातों के हमारे सीनियर हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी बोली तो ऐसा ऐसा प्लान है, काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, तो हमें सही लगा कि हमें पैसे मिलते हैं। तो जैसे जैसे बोले वैसे करते करते गए, जिसके कारण काम की शुरुआत की। पूरे महीने घूमने लगे और पूरे महीने मिनट के बाद पोस्ट से मेरे परिवार में 830 रुपये का चेक आ गया। फिर वो चेक पूरे परिवार ने देखा, फिर मीटिंग बुलाई, अरे 830 कमा रहे तो महीने का खर्चा कितना कर रहा है, 4,000-5,000 कर रहा हूँ, हमें 830 है, तो घूमने चले जा, तेरे से मैंने काम जोड़ा है, 10 मंथली पेमेंट मिल रहा है, तो सीधे चले जाओ। फिर मैंने सोचा मुझे पता है यहाँ पर करियर है, फैमिली को क्या पता है। फिर उनसे मैं निगलेक्ट करते करते चुप सुबह भागने लगा, शाम तक आने लगा, दिन भर भूखा रहता था क्योंकि दोपहर में खाने के लिए पैसे भी नहीं रहते थे। पेट्रोल 100 रुपये का निकालने के लिए मैंने एक बार ATM से, मेरे ATM में 300 रुपये थे, 200 रुपये मुझे निकालना था, लाइन पे लगा था, सब लोग होने के बाद मैंने पैसे निकाले 200 रुपये, फिर 100 रुपये का पेट्रोल डाला, फिर काम पे गए और वो भी मेट्रोल उधार दिए। ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में मेरी काम की शुरुआत की, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैं सीखता हूँ और हमेशा हम्बल रहता हूँ, जो भी सीनियर बोलता है सब फॉलो करने का। धीरे धीरे उस टाइम उसका मेरा सपना था कि मुझे वन स्टार बनना है, मुझे 1 साल लगा पूरा वन स्टार बनने में। फिर दादी ट्रिप हो गई, फिर बोले कि अब नेटवर्क करना है, फिर टीम बनाना शुरू किए, धीरे धीरे टीम बनती गई, फिर 2018 में कोरल बन गए, फिर बोले कि आप मीटिंग ट्रेनिंग सब आपको लेना है, अब मैं लिया, धीरे धीरे मीटिंग ट्रेनिंग भी लेना शुरू किया और उसके बाद सफाई बना, कोविड का 2 साल दुविधा में गया, उसके बाद फिर तेजी से काम में लगे। लास्ट टाइम जून में रूबी बना, उससे पहले मैंने एक छोटी इंडिका ली थी कोरल बनने के बाद, जिसके ऊपर कोरल बना, फिर इंडिका ली पुरानी वो भी, 1 महीना 2 महीने चलती थी, फिर बन गई थी, फिर चलाता था, फिर बन गई थी, ऐसे करते 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 सफाई बना, उसके बाद रूबी भी बना जून 2030। उसके बाद जनवरी में इसी महीने में मैंने हुंडई की अवार्ड ली है। तो सभी मेरे करियर में ग्रीन कार्ड करने का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे जिंदगी से अगर ग्रीन कार्ड को निकाल दिया तो आज भी मैं बेकार रहने वाला था, इतने लोग मुझे पहचानते नहीं थे। इसके बाद जैसा मैं अच्छा रहा, मैं पूरे 6 साल के अंदर किसी भी कस्टमर के साथ गलत कोई काम नहीं किया, मेरे पूरे टीम के साथ मैं बोल सकता हूँ मैं आज तक एक भी काम गलत नहीं किया है, मुझे पूरी टीम अच्छी मिली है, पूरा विश्वास रख सकते हैं, मतलब जो बात बोल रहे हैं उसको 100% मैं बिलीव करता हूँ और मैं जो बोलता हूँ बिलीव करता है। ये फायदा है सर आपका क्योंकि आपने हमें संस्कार अच्छे दिए, इसलिए हम अच्छे कंपनी का बहुत धन्यवाद।